अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया बानो और आप सभी को जो है रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद। आई होप कि आप सब ने जो है रोज़ा आज रखा होगा। पहला आज पहला रोज़ा है तो आपने पहला रोज़ा ज़रूर रखा होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने अपना सहरी रूटीन जो है बताया है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है, छोटा सा व्लॉग है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ आईडी दी होगी या और मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ जो है लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो है कि हमारे शहर में जो है अभी बहुत ज़्यादा केसेस जो है कोरोना के बढ़ चुके हैं, इसलिए जो है कि हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया है। तो इस वजह से हमें कुछ मतलब मिल नहीं पा रहा है। हमने तो राशन भर लिया है अपने घर का, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत का जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वैसे ही हम चला रहे हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने घरों में ही रहें और सेफ़ रहें, और मास्क ज़रूर लगा के आप बाहर निकलें। अभी तो हमारे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो बी सेफ़, बी हेल्दी। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरा चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा सूजा सूजा दिख रहा है। सुबह सुबह उठना थोड़ा भारी लगता है, लेकिन रमज़ान में क्या है, उसकी आदत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं टाइम हुआ है 3:50। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, मैं नहाऊँगी इसलिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। सहरी के लिए मैं यहाँ पर पराठे बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आटा ली हूँ। अब मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। मैं यहाँ पर जो है सभी के नाश्ते के लिए आटा एक बारी में गूंद लेती हूँ, इससे मेरा टाइम भी बच जाता है। जान के महीने में जो है टाइम की बहुत ही कमी होती है, ये एक टाइम सेविंग हैक हो सकता है, आप एक साथ गूंद के रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पराठे बनाऊँगी। हमारा जो पराठा है वो भी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर चढ़ाऊँगी दूध वाली चाय, क्योंकि दूध वाली चाय के बिना तो दिन बिल्कुल अधूरा रहता है, इसलिए मैं चाय पीती हूँ शहरी में। तो ये मैंने यहाँ इस पर शक्कर पत्ती सब डाल दी है और गैस का फ्लेम जो है ऑन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने सब सहरी की तैयारी कर ली है, चाय भी बन गया है, पराठा भी बन गया है। अब वैसे कुछ तो है नहीं यहाँ हमारी, मतलब अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, अब मैं जो है नहाने की तैयारी करूँगी। अब मैं यहाँ पर मेरा चाय जो है उबल चुका है, अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो नहाने के बाद मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर नहा के आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा आउटफिट है आज का।
सुबह सुबह नहाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब चलो सहरी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने दो पराठे बनाए हैं, अब मैं वापस निकालूँगी अपने लिए चाय। फ्रेंड्स, आप लोग का सहरी कैसा गया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने चाय निकाल ली है अपने लिए। मैं जो है सहरी खाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चाय और दो पराठे, जिसमें से फ्रेंड्स मैंने एक ही पराठा खाया है क्योंकि सुबह सुबह जो है ज़्यादा खिलाता नहीं है। और मैंने यहाँ एक गिलास पानी लिया है। यहाँ मैं नीचे बैठ के खा रही हूँ क्योंकि मैं इफ्तारी नीचे बैठ के खाती हूँ, तो सहरी भी नीचे बैठ के ही खाती हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ पानी या खजूर खा के ही जो है सहरी पूरा करके रोज़ा रख लेते हैं। कितने लोगों ने सिर्फ पानी और खजूर खा के ही रोज़ा रखा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर जो है रोज़े की नियत कर रही हूँ। तो ये मेरा सहरी का ख़त्म हो चुका है। तो है फ्रेंड्स, मैंने सहरी जो है अपनी कंप्लीट कर ली है। तो आपको इस रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो। तो अब मैं जा रही हूँ फजर की नमाज़ अदा करने, और उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी। रमज़ान की इस पाक में मैं दुआ करूँगी कि आपका और आपका पूरा परिवार जो है खुश रहे। तो कैसे लगे आज का व्लॉग? आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, और कमेंट में बताना कि आपको मेरा व्लॉग जो है कैसा लगा। और शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।